गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो अपना इंग्लिश कंपलसरी का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर प्रोज पैरेबल, बीए फर्स्ट ईयर बुक, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड चैप्टर द आईज आर नॉट हेयर, रिटन बाय रस्किन बॉन्ट। द आईज आर नॉट हेयर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेट्स स्टार्ट इट्स समरी। इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर महीना सी। द नरेटर, नरेटर मीन्स जो स्टोरी नू नरेट कर रहे हैं, जो स्टोरी दस रहे हैं। द नरेटर वॉज ट्रैवलिंग टू देहरादून बाय ट्रेन, जो नरेटर सी और बाय ट्रेन जर्नी कर रहा सी, ट्रैवल कर रहा सी, देहरादून जा रहा सी। अप टू रोहाना, द नरेटर वॉज अलोन इन द कंपार्टमेंट, रोहाना स्टेशन तक जो नरेटर सी वो अपने कंपार्टमेंट दे विच बिल्कुल कल्ला सी। अ गर्ल बॉर्डर टवार्ड द कंपार्टमेंट, रोहाना स्टेशन ते एक लड़की उस कंपार्टमेंट दे विच चढ़ी। हर पेरेंट्स बेड हर गुड बाय एट द स्टेशन, ओदे पेरेंट्स उन स्टेशन ते गुड बाय कहन लई आए। देवर एनक्यूशियस अबाउट हर वेलबिंग, वो काफ़ी ज़्यादा वरिड चिंतित सी ओदे बारे। दे एडवाइज्ड हर लॉट रिगार्डिंग वेयर टू कीप हर बिलोंगिंग्स, उन्होंने उन्हों बहुत ज़्यादा एडवाइस कीतियाँ, सलाह दीतियाँ, जिमें कि अपना सामान कितने रखना है, नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो, विंडो दे विचो बाहर नहीं देखना, एंड टू अवॉयड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अजनबियां नाल गल नहीं करनी। वंस द ट्रेन लैफ्ट द स्टेशन, जदों ट्रेन स्टेशन तो चल पी, द नरेटर स्टार्टड अ कन्वरसेशन आस्किंग इफ शी टू वॉज गोइंग टू देहरादून, नरेटर ने उस लड़की नाल गलबात करनी शुरू की, पूछया कि तुसी भी देहरादून जा रहे हो। द वॉयस स्टार्टल्ड हर एज शी थॉट हर टू बी अलोन इन द कंपार्टमेंट, उस आवाज़ ने उन्हों एकदम चौंकाता, क्योंकि वह खुद सोच रही थी कि शायद वह उस कंपार्टमेंट दे विच कल्ली है। द गर्ल टोल्ड हिम दैट शी वॉज गोइंग टू सहारनपुर वेयर हर आंट वुड कम टू टेक हर होम, तो उस लड़की ने उन्होंने दसिया कि वह सहारनपुर जा रही है, जिथे कि उसकी आंट बुआ उसनू लैन अपने घर आएगी। शी आल्सो इनवाइट द नरेटर एज द हिल्स ऑफ मैसूरी वेयर ही वॉज हिडर टू प्रजेंटड अ लवली साइड इन अक्टूबर, उसने उस लड़की जो लड़की है उसने नरेटर नू दसिया कि मसूरी दे विच पहाड़ियाँ किन्निया सोहनिया ने, ठीक है, जिथे वह जा रही है, जा रहे हैं, और अक्टूबर मंथ दे विच तां उत्थे दी जो साइट है, दृश्य है, देखण वाला हुंदा है। द नरेटर वॉज ब्लाइंड, जो नरेटर सी वह ब्लाइंड सी, एंड ही कुड नॉट हैव नोन हर फेस फॉर श्योर, और वह नहीं समझ पा रहा सी कि यह लड़की वेखण दे विच किहो जी होगी। आफ्टर सम मोर चिट चैट, कुछ होर गल्लां बातां करन तो बाद, द नरेटर टोल्ड हर क्वाइट डेयरिंगली, पूरी हिम्मत करके नरेटर ने उसनू दस्या दैट शी हैड एन इंट्रस्टिंग फेस, कि तेरा चेहरा बहुत इंट्रस्टिंग है। शी वॉज हैप्पी एट दिस, ये सुन के वह बहुत खुश हुई। शी रिप्लाइड दैट इट वॉज इनडीड अ वेलकम डेविएशन फ्रॉम द ओफन रिपीटेड फ्रेज, कि उन्हें कहा कि अक्सर लोग प्रेज दे विच जो लाइन्स बोलते नहीं, ये थोड़ी अलग लाइन्स ने किसी का वेलकम करने लिए, किसी की प्रेज करन लिए। यू हैव अ प्रीटी फेस, जो लाइन्स उन्हें कही कि तेरा चेहरा बहुत प्रीटी है। सून इट वॉज टाइम फॉर द गर्ल टू बिड गुड बाय एज द ट्रेन अराइव्ड एट हर डेस्टिनेशन, टाइम आ चुका सी लड़की का ट्रेन चो उतरन का, क्योंकि वह अपनी मंजिल ते पहुँच चुकी सी। आफ्टर हर डिपार्चर, उदे जान तो बाद अ मैन एंटर द कंपार्टमेंट, एक होर आदमी उस कंपार्टमेंट दे विच चढ़िया। ही अपोलोगाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज हिज प्रीडिसीसर, उन्हें आके नरेटर तो माफ़ी मंगी कि जिस तरह का पहला थोड़ा कंपेनियन सी इस कंपार्टमेंट दे विच, मैं उन्ना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैगा, कहंदा भाव है कि मैं उस लड़की जिन्ना सोहना नहीं हैगा। द नरेटर आस्कड द मैन, तो नरेटर उस तो पुछदा है इफ द गर्ल हैड हर लोंग हेयर और शॉर्ट, कि उस लड़की के बाल लंबे सी या छोटे। ही रिप्लाइड विद इंटरस्ट दैट शी हैड नोटिस्ड ओनली हर आइज, तो उस आदमी ने कहा जो बाद च कंपार्टमेंट चढ़िया सी कि मैंने सिर्फ वोदिया अखा नू ही नोटिस किया, विच वर ब्यूटीफुल बट ऑफ नो यूज, जिड़िया कि सोनिया तो बहुत सन पर उन्हों का कोई फायदा नहीं सी, एज शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वह लड़की भी पूरी तरह नाल ब्लाइंड सी।